परिवार के पीछे पड़े हो। तो फाइनली दोस्तों, तमिल सुपरस्टार से पेन इंडियन सुपरस्टार बन चुके थालापति विजय और संजय दत्त की फिल्म लियो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाली नहीं है। और दोस्तों, ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की हिस्टोरिकल कमाई कर रही है, ये कंफर्म हो चुका है कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की इस साल रिलीज होने वाली बिगेस्ट ग्रोसर बनने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थालापति विजय और संजय दत्त की फिल्म लियो के तीन दिनों के इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस के बारे में, और जानने वाले हैं कि इस फिल्म ने अभी तक किस किस फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर आप अभी लियो फिल्म को बेहतरीन फिल्म मानते हो या थालापति विजय और संजय दत्त के बिग फैन हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कि लोकेश कनकराज के डायरेक्शन बनी लियो एक एक्शन फिल्म है जिसे 250 से 300 करोड़ के बजट में बनाया गया है। इस फिल्म को 4000 स्क्रीन में इंडिया में और दुनिया भर में लगभग 6000 स्क्रीन में रिलीज की गई। बात करें फिल्म की कमाई की, तो फिल्म ने पहले दिन 148 करोड़ 60 लाख की हिस्टोरिकल ओपनिंग ली थी, और जवान, पठान, आदि पुरुष जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को बुरी तरह तोड़ा। बात करें दूसरे दिन की, तो फिल्म ने 42 से 43 करोड़ की हिस्टोरिकल कमाई की। फिल्म ने ओवरसीज से 30 करोड़ की कमाई की, यानी टोटल 72 करोड़ की कमाई की है। फिल्म का दो दिनों का इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 220 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। बात करें फिल्म की तीसरे दिन यानी आज की, तो फिल्म की आज की एडवांस ही 22 करोड़ है। फिल्म आज इंडिया से 40 से 45 करोड़ की कमाई करती हुए दिखाई दे रही है। बात करें ओवरसीज की, तो ओवरसीज से फिल्म 30 से 32 करोड़ की कमाई करती हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में फिल्म का कलेक्शन है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 285 से 290 करोड़ का आपने तीन ही दिनों में हो चुका होगा। इसी के साथ लियो एक ऑल टाइम ब्लॉक ब्लास्टर बन चुकी है। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।